बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 2023 में जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम हुआ था 10th क्लास का उसका सलूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं सेक्शन में ए में आपके एमसीक्यूज गिवन होते हैं तो जो फर्स्ट एमसीक्यू था इन द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज 20 10 पावर माइनस -3 सेकंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी टाइम पीरियड गिवन है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है तो ये हमारे पास आंसर 50 हर्ट्स आएगा नेक्स्ट हमारे पास इको इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑफ साउंड वेव्स इको कैसे प्रोड्यूस होती है तो रिफ्लेक्शन के जरिए से इको प्रोड्यूस होती है बी ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड एमसीक्यूज है व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इरेक्ट एंड विचुअल इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस लोकेशन क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की जब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा कन्वेक्स लेंस की मदद से तो जो ऑब्जेक्ट है वो टू बिटवीन एफ और ऑप्टिकल सेंटर होगा तो तब जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा ये वाहद कंडीशन है कन्वैक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ एंड टू ऑप्टिकल सेंटर हो यानी कि लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान हो फोकल पॉइंट के दरमियान हो तो जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट होता है और विर्चुअल होता है फोर्थ हेमसी है इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट रिजिस्टेंस वोल्टेज करंट और चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ये बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात की जा रही है जिसकी मदद से चार्ज का पता चलता है तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा चार्ज किस टाइप का है और बॉडी पे चार्ज है या नहीं वो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता चलाया जाता है नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है थ्री माइक्रोफेरेड एंड सिक्स कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट हो तो वन ओवर की, की फॉर्म में ये ऐड होते हैं तो जब इनको सिंपलीफाई किया जाएगा फार्मूला अप्लाई करके तो ये टू माइक्रोफेरेड आंसर आएगा नेक्स्ट सिक्स एमसीक्यूज है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ इज द सेम एज यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इक्वल एंड टू के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के इक्वल होता है यानी कि वोल्ट वोल्ट और किसके इक्वल होता है जाउल पर कूलम के नेक्स्ट सिक्यूज नंबर सेवन है वन किलो वाट आर इक्वल टू वन किलो वाट आर में किलो की वैल्यू थाउजेंड और आर यानी कि थ्री सिक्स डबल जीरो पुट करें तो ये थ्री पॉइंट सिक्स एन टेन पावर सिक्स जॉल हो जाता है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है ए ट्यूज है फंक्शन ऑफ ब्रशेज एंड सप्लेट डीसी मोटर इज डीसी मोटर में ब्रशेज और सप्लेट का क्या फंक्शन होता है तो बेसिकली ये क्या करते हैं ब्रशेज और सप्लेट रिंग्स करंट की डायरेक्शन जो होती है क्वायल में उसको रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं नेक्स्ट टेम सिक्यूज नंबर नाइन है लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज लॉजिक ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं इस गेट की मदद से वो हमारे पास नॉर गेट है इसकी डायग्राम भी इस पेपर में गिवन थी वो यहां पर नहीं है लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड वाई दिस गेट तो यहाँ पे गेट की डायग्राम आपको गिवन होगी जो गेट था वो ऑपरेशन जो गेट था वो जो सिंबल था वो नॉर गेट था तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हुआ विच ऑफ फॉलोइंग इज दूसड डाटा स्टोरेज डिवाइस एंड कंप्यूटर इनमें से कौन सी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो हार्ड डिस्क जो है उसको डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है तो जो हार्ड डिस्क है वो स्टोरेज डिवाइस है नेक्स्ट टाइम सिक्यूज नंबर इलेवन है कोबाल्ट बाय कोबाल्टी डीकेज बाई विल बी ऑटोमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट कोबाल्ट 60 जो है वो डीके हुआ है और गैमा इमिशन हुई हैं गैमा इमिशन में आपको पता है कि ऑटोमिक नंबर या ऑटोमिक मैथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऑटोमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट में वही होगा जो वर्ल्ड का ऑलरेडी है यानी कि ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट एम सिक्यूज नंबर ट्वेल्व है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज वन पॉइंट फाइव टू क्रिटिकल एंगल फॉर दिस गिलास विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है तो सी कैलकुलेट करना है तो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे जो फोर्टी वन पॉइंट वन डिग्री आएगा इसके बाद सेक्शन बी की तरफ आते हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडोलम इज डबल्ड वट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड अगर सिंपल पेंडोलम की लेंथ डबल कर दी जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो हम इसको प्रॉपरली देखते हैं हमारे पास जो तो टाइम पीरियड गेमन होता है टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट जी इसमें कहा यह लेंथ को डबल कर दें तो एल की जगह पे टू एल पुट किया तो यह हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाता है टी प्राइम इक्वल टू अंडर रूट टू टी के ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया ये अंडर रूट टू कॉमन आ जाएगा तो टू पाए अंडर रूट एल ओवर जी रह जाता है टू पाए अंडर रूट एल ओवर जी किसके इक्वल था टी के टाइम पीरियड के तो इसकी जगह पे टी लिखा तो ये टी हमारा आंसर आ जाता है है, तो इस क्वेश्चन में आपने नॉइस पॉल्यूशन के बारे में लिखना है कि अनवांटेड और आर डिस्टर्बिंग साउंड इन एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन कि अनवॉन्टेड और डिस्टर्बिंग साउंड जो है एनवायरनमेंट में जो कि हेल्थ को इफेक्ट करता है और जो ह्यूमन की बाकी रूटीन है उसको इफेक्ट करता है या ह्यूमंस के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रूटीन को इफेक्ट करता है तो उसको नॉइज पॉल्यूशन का नाम दिया जाता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं नॉइज की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है हेयरिंग लॉस हो सकती है स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं एग्रेशन है हाइपरटेंशन है, hypertension है, hypertension है हाई स्ट्रेस लेवल्स हैं ये सब क्या है? किस वजह से होते हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से होते हैं इसी तरह नॉइस पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो हो रही होती है उस पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ लाउड सिंगिंग इज 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव वाट पर स्क्वायर मीटर एक्सप्रेस इंटेंसिटी लेवल ऑफ दिस साउंड इन डेसीवल्थ आई नॉट इक्वल टू वन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व वर्ड पर स्क्वायर मीटर इंटेंसिटी लाउड सिंगिंग की हमें गिवन है और इस इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास जो इंटेंसिटी गिवन है वो नोट कर ली और इसके बाद आई नॉट की वैल्यू गिवन है वो नोट कर ली इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला अप्लाई करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल 75 फाइव डीबी नेक्स्ट फोर्थ एम सी क्यूज है a में पूछा गया था जिसका आंसर था कि फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में हम अगर ऑब्जेक्ट रखें तो उसका जो इमेज बनता है वो इरेक्ट और विचुअल बनता है जब ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल पॉइंट के दरम्यान में होगा तो इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और साथ साथ ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा नेक्स्ट टाइम नंबर फाइव है बायोलॉजिस्ट विद अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ एन इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर एन इंसेक्ट विद थ्रू अ मैग्निफाइंग ग्लास हुज फोकल लेंथ इज फोर पॉइंट थ्री सेंटीमीटर फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन एट द नियर पॉइंट एट इन्फिनिटी बायोलॉजिस्ट है जिसका नियर पॉइंट हमें गिवन है और वो एक इंसेक्ट को एग्जाम देखता है उसका मुआयना करता है मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से जिसकी फोकल लेंथ 4.3 सेंटीमीटर है एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है नियर पॉइंट और इनफिनिटी पे तो हमारे पास डाटा में जस्ट एम की वैल्यू गिवन है नियर पॉइंट 26 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ लेंस की गिवन है एफ इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री सेंटीमीटर तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है नियर पॉइंट के लिए एम ई इक्वल टू एन ओवर अप्लाई करके उसमें वैल्यू स्पोट की तो सेवन आया और फॉर इन्फिनिटी के लिए जो मैग्निफिकेशन है एन ओवर एफ पुट किया तो ये फॉर्मू वैल्यूज पुट की ये हमारे पास फॉर इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन आ गई नेक्स्ट वट इज मीट बाई टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला एंड एस एस आई यूनिट इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन में और डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला लिखना है और इसका एस आई यूनिट लिख देना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सेवन टू चार्जेस क्यू वन और क्यों टू है और वो एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं वो पॉइंट टू न्यूटन की फोर्स है तो उन जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा ये कोलम जिला से रिलेटेड है तो हम डाटा नोट करने के बाद इसके ऊपर कुलम जिला अप्लाई करेंगे फार्मूला हमारे पास है एफ इक्वल टू के वैल्यूज पुट करनी है इसमें और सिंपलीफाई कर देना है तो डिस्टेंस आ जाएगा वन पॉइंट फाइव मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में चार चार पॉइंट्स यहां पर लिख दी हैं ये आपको आने चाहिए थ्री मार्क्स का क्वेश्चन होता है मिनिमम आपने थ्री पॉइंट्स लिखने होते हैं तो यहां पे चार लिख दिए हैं कि अगर आपको कोई एक आधा भूल भी जाए तो चौथा आपको याद हो वैसे भी एहतियातन आप पेपर में चार पॉइंट्स लिखें ताकि एक आधा कहीं गलत हो भी जाए तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज फाइव हंड्रेड ओम फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू फिफ्टी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड रेजिस्टेंस हमें गिवन है और पावर हमने कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है तो आर और वी की वैल्यू गिवन है पी कैलकुलेट करना है पावर का फॉर्मूला हमारे पास पी इक्वल टू वी आई होता है करंट नहीं गिवन तो ओम्सला के मुताबिक आई वी इक्वल टू आई आर से आई इक्वल होता है वी ओवर आर के तो ये हमारे पास हो जाएगा पी इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है तो ये पावर आ जाएगी वन ट्वेंटी फाइव वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है Which the of induced EMF? Induced EMF को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं तो मैगनीट्यूडेंड अपॉन दी फॉलो सबसे पहला जो फैक्टर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ द्वाइल है तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न इन दी क्वाइल है तो ये तीनों इंक्रीज करने से जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है वो इनक्रीज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट कॉमेंट डायरेक्ट करंट पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करता इसकी वजह क्या है कि जो डायरेक्ट करंट होता है ट्रांसफार्मर uh, बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है चेंज मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त चेंज होगी जब करंट चेंज हो रहा होगा डायरेक्ट करंट में करंट जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है वो चेंज नहीं होता तो इस वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं कर सकेगा तो इसलिए ट्रांसफार्मर के लिए एसी यूज किया जाता है यह डीसी पे ऑपरेट नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन तो इलेक्ट्रॉन गन की जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है और इसके साथ ये डायग्राम भी बना दी है अगर आपके पास पेपर में टाइम हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हाउ नैंड गेट इज मेड ड्रॉ फॉर नैंड गेट एंड राइट इट्स टेबल नैंड गेट कैसे बनता है तो एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा देने से हमारे पास नैन गेट बन जाता है उसका ये सिंबल है एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाया तो ये नैंड गेट बन गया ये बेसिकली नैन गेट का सिंबल है और ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इन लिस्ट दूजेज ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के तीन यूजेज लिखने हैं तो so, इसमें आपने कोई से भी तीन चूजे लिख देने हैं जिस तरह इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन अर्निंग की जाती है ऑनलाइन गेम्स खेली जा सकती हैं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है या कोई भी जो मैसेज है वो हम एक जगह से दूसरी जगह फॉर्म ऑफ ईमेल सेंड कर सकते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था इस पेपर का व्हाट इज बाय बैकग्राउंड रेडिएशन राइट द नेम्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन लिखनी है इसमें कि बैकग्राउंड रेडिएशन होती क्या है और उसमें जो मेन सोर्स होते हैं बैक बैकग्राउंड रेडिएशंस के वो लिख देने हैं तो यहां तक हमारे पास ये सेक्शन बी था जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन थे इसके बाद हम सी सेक्शन देखते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन गिमन होते हैं तो सी सेक्शन में क्वेश्चन ए थ्री का जो ए पार्ट है वट इज टेलीस्कोप यूजिंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड इट्स मैं टेलीस्कोप क्या है रे डायग्राम यूज करते हुए वर्किंग एंगुलर और को एक्सप्लेन uh, करना है और मैग्निफाइंग पावर को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले इस नंबर वट इज टेलीस्कोप पूछा गया है तो टेलीस्कोप के बारे में लिखना है कि टेलीस्कोप क्या होती है दूसरे नंबर पर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लिख देनी है आपने छोटी तो सी आपने कंस्ट्रक्शन भी लिख देनी है इसी, इस डायग्राम से रिलेटेड तो इसके बाद इसकी यहां पर वर्किंग भी बता देनी है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी डायग्राम आपने एज इट इज बिल्कुल सही करके बनानी है इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें तो इसके बाद आपने वर्किंग के बाद इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछा था तो वो भी आपने लिख देनी है ये इसी तरह आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया हो उसी तरह आप हेडिंग बना लिया करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का जो बी पार्ट है उसमें साउंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एट किलो हर्ड्स गिवन है और वेव लेंथ गिमन है फोर पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है तो डाटा हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी एट किलो हर्ड्स है इसको 8000 थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लिया वेवलेंथ 4.25 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया स्पीड कैलकुलेट करनी है तो v इक्वल टू एफ लेमडा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर का ए पार्ट है वट इज दर डिस्क्राइब कपैसिटंस एंड इट्स एस यूनिट हाउ कैन वन डिटरमाइन इक्वल एंड कपैसिटेंट फॉर डिफरेंट कपैसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज कि कैपेसिटर क्या है कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख देनी है आपने उसके बाद कैपेसिटेंस को डिफाइन कर देना है है उसका ऐसा यूनिट जो फेरेड होता है उसकी डेफिनेशन भी लिख देनी है इक्वलेंट कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज तो जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसकी इक्वेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो भी आपने इसी क्वेश्चन में लिख देनी है

तो इसमें डाटा आपने नोट कर लेना है वीपी गेमन है ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 240 फोर्टी वोल्ट जिसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है वो प्राइमरी वोल्टेज होती है वीपी टू फोर्टी वोल्ट और ये क्या है वी एस ट्वेल्व वोल्ट फोर प्राइमरी कॉल है यानी कि एन पी है और इसके बाद एन एस कैलकुलेट करना है और आई स्कैंड कॉयल पे जो करंट है यानी कि आई एस की वैल्यू गेमन है तो सोल्यूशन में हम एन एस ओवर इक्वल टू वी एस ओवर वीपी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो और वोल्टेज uh, की रेशो इक्वल होगी तो इसमें एन एस कैलकुलेट करना है बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्कैंड आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट ए डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वो आपने लिखनी है तो इसमें क्या थोड़ी ऑसिलोस्कोप होती क्या है पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है या डिफाइन कर देना है उसके बाद क्या थोड़ी ट्यूब जो इस्तेमाल की जाती है यानी कि बेसिकली इसमें वर्किंग और ऑसिलोस्कोप जो है उस उसकी कंस्ट्रक्शन विद लेबल डायग्राम आपने एक्सप्लेन करनी है तो वो चाहे आप पहले कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके सारी कंस्ट्रक्शन उसकी लिख दें और फिर वर्किंग की हेडिंग देके सारी वर्किंग लिख दें या आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डिफाइन करते हुए आप उसकी साथ साथ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता सकते हैं तो ये तीन पार्ट जो इसमें होते हैं एक इलेक्ट्रॉन गन होती है उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बाद हमारे पास फ्लोरिसेंट स्क्रीन आ जाती है तो इन तीनों की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपके सामने है ये ऑसिलोस्कोप क्या हिस्सा होती है नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट जो है व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स एक्सप्लेन देयर यूजेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन तो रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख देनी है कि रेडियो आइसोटोप्स होते क्या हैं और इसके बाद इसकी जो यूजेज हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए जैसा कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसन्स में वेयर एंड टेयर पार्ट्स को जज करने में और जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं उनकी लीकेज को देखने के लिए भी हमारे पास रेडी वाइसटोप्स चूज किए जाते हैं तो इस पेपर में मैंने इन क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया एक्सप्लेनेशन के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट आपको मैंने बताया है कि किस क्वेश्चन का आपने कितना आंसर लिखना होगा और उसमें क्या चीज़ लिखनी होगी जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर भरें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जितनी लाइंस गिवन गई हैं गिवन है सबकी सब फिल करें ऐसा नहीं होता अगर आपका क्वेश्चन थ्री लाइंस में कंप्लीट हो जाता है तो वो एन है उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मेन बताने का मकसद यह है कि टू पॉइंट लिखें तो यहां तक हमारे पास जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का उसका सोल्यूशन था मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू